हे एलन, वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार, और फिर से मिल गए हम इस नए लेक्चर में, क्योंकि आज फिर से औसम तरीके से बात करने वाले हैं एक औसम से कंसेप्ट की। देखो यार, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। यहां पर आज इसकी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्लस टू फिजिक्स के टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बार ये देखा गया कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, ईजी होता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो स्कोर करना बहुत आसान है। और इस बार भी अगर आप नीट वगैरह की बात करें तो 30 क्वेश्चन प्लस टू फिजिक्स से आए थे, 20 क्वेश्चन प्लस वन फिजिक्स से आए थे, वैसा ही जेई मेंस में भी होता है। मैक्सिमम मेंस के एग्जाम में भी प्लस टू से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्लस वन आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है कंसेप्ट वाइज, की हाउ टू अप्लाई ऑल द मैकेनिक्स कंसेप्ट, और प्लस टू में उनको अप्लाई करके आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी, और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है, आप जल्दी से जाओ, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिल अप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा ले, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है, ये कॉन्टेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे, कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप, होप सो आप समझ गए होंगे, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यू नो शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज फिर एक ऑसम से टॉपिक की यू नो मैं बात करूंगा, और आज हम बात करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की, स्टार्टिंग यहां से हो जाती है बॉस। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में हम एंटर कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद एक बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, जब चार्ज आपका रेस्ट पे था तो वो किस तरीके की सिचुएशन प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे डिस्कशन मैं करने वाला हूं, देखो भाई इसको समझाने से पहले, अच्छा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, एमईसी के फर्स्ट लेक्चर में, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको आप लिखेंगे दिस इज मैग्नेटिक ओके इफेक्ट ऑफ करंट, यानी यहां पे जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी है, अगर करंट, देखो ना यार सीधी सी बात होती है कि करंट के हिसाब से, मतलब विद द हेल्प ऑफ द करंट, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है कि उसकी वजह से क्या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे, और समझने के बाद उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनका एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो बहुत मजा आने वाला है। सारे बेसिक फंडामेंटल मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, बस बने रहना मस्त तरीके से। तो देखो MEC मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब दोस्तों इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले कि हम सर इसमें करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कशन नॉर्मली मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है, वो क्या है सर, आज से बहुत समय पहले, लगभग 200 साल पहले की ये बात है बॉस, जब 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 एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड, ठीक है, क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, और ये इसके लॉ आपने 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े थे, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, एक वायर लिया मेटल का, उसमें करंट फ्लो करा दी, उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखी, वो निडल में जैसे करंट फ्लो कर रही थी तो उसकी वजह से निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था,
है ना। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से या उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने से फिर से डिफ्लेक्शन वो डिफरेंट तरीके से शो कर रही थी। तो जो फिजिसिस्ट थे क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके इतना तो क्लियर बता दिया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से उसके आसपास के रीजन में कहीं ना कहीं एक फील्ड होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रही है ना, और वो तभी पॉसिबल है जब उस वायर में करंट फ्लो कर रही होगी, उसका मैग्नीट्यूड आप चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, उसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन वहां पे दिख रहा था। तो उससे पता चल गया, जैसे जब चार्ज रेस्ट पे होता है ना, तो हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने चारों ओर मतलब उसके सराउंडेड रीजन में एक फील्ड क्रिएट कर देता है जिससे वो किसी अदर चार्ज को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही यहां पे करंट कैरिंग किसी भी वायर की वजह से उसके आसपास के रीजन में एक अनदर फील्ड क्रिएट होता है जिसको नाम दिया गया है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपने बहुत शानदार तरीके से सीखना है। तो थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब हाँ, नाम क्या था सर, नाम क्या था किसका, फिजिसिस्ट का नाम क्या था भाई? देखो भाई, ये था नाम उनका, ये कुछ मैंने कुछ वाहियात ही लिख दिया है, ऑरेस्टेड साहब थे, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक करंट कैरिंग वायर ले ले, इसमें करंट जा रही है तो उसके आसपास का जो भी रीजन है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल मैं रख रहा हूँ तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, और इसकी डायरेक्शन वगैरह अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर से वो डिफ्लेक्ट हो रही थी मैग्नेटिक में, समथिंग लाइक दैट, इसमें डिफ्लेक्शन आपको शो करने को मिलेगा। तो उससे ये बताया कि इस करंट की वजह से इस वायर में इसके आसपास के रीजन में कुछ फील्ड है जिसको हमने नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का इसको नाम दिया गया। थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस हम इसकी करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे दिमाग को चला जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे होने वाला क्या है। अब इसके रिगार्डिंग यू नो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। तो पहले इसके मेन मेन पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, फिर वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जिन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आते हैं, कौन से मैथमेटिकल फॉर्मुलाज होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जिसका यूज होकर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उन पर आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपको कहानी सुनाई है बॉस, आपको नींद से जगाया है बॉस, अब आप रेडी रेडी हो गए ना सुनने के लिए, मस्त सीखने के लिए, ओके ओके। इसको जल्दी से बता देता हूं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए, जिनको आपने याद रखना है, ओके। सो कम ऑन, हियर वी गो। एंड समझा मैंने आपको सब कुछ दिया है, बेसिक सी जो चीजें हैं जैसे यूनिट हो गई, हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने अभी अभी देखा है कि फॉरेस्टर साहब ने क्या बताया था, उसको बनाते कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाली है। तो देखो, एक पॉइंट सबसे पहले आपने याद रखना है, ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो मैंने समझा दिया है कि अगर कभी भी कोई भी करंट कैरिंग वायर आपके पास होता है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, एक वायर है सपोज करो, तो इसके आसपास के रीजन में, इसके इस साइड भी एक मैग्नेट, एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। पहले आप बस समझो इसके आसपास के रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, क्योंकि नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो है। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका था, इसको हमें डिटेल में जाने कोई जरूरत नहीं है, हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे तो बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट ये है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, वैसे फोर्स की मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फोर्स एक्टिंग ओनली ऑन मूविंग चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता चल गया है ऑलरेडी, ठीक है सर, पता चल गया ऑलरेडी, तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करता है किसी भी चार्ज पे, दैट चार्ज मस्ट बी इन मूविंग कंडीशन, नॉट एट रेस्ट, है ना। अगर इफ, देखो आप सबको पता है, इफ चार्ज, आप सबको पता है, इफ चार्ज इट इज एट रेस्ट और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो अगर वो रेस्ट पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर काम करेगा, बट अगर वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, मूव नहीं कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, जीरो होगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि चार्ज अगर रेस्ट पे है ना तो केवल उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, लेकिन अगर उस पर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, समझ गए? यस, ये आपने हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब सर, अगर अगर हमारे पास करंट कैरिंग एक वायर है और इसके आसपास के रीजन में, यहाँ पे कहीं पे भी, इसके आसपास के रीजन में कहीं भी ले लो, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, ये रीजन हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई इसके आसपास का एक रीजन है और इसमें कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट पे है, इसका मतलब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सीधी सी बात ये है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं
लेकिन इस रीजन में कहीं ना कहीं एक ऐसा चार्ज रखा हुआ है जो मूव करने लगे, इधर को जाए, ऊपर को या नीचे को जाए, किसी भी तरीके से वो मूव कर रहा है। तो अगर इसके पास वेलोसिटी है, मोशन है, तो इस करंट की वजह से इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना चांदी मेरे, उसकी वजह से इस चार्ज पे पक्का एक फोर्स लगेगा। अब वो किधर को लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो सब बताऊंगा इंडिविजुअली। अभी तो आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स फिर होगा, पक्का होगा, अगर मूव कर रहा है। इतनी सी जानकारी याद है, ठीक है सर, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, हाउ टू कैलकुलेट यू नो द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ओके, ये सारी बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, फिर तो मचा डालेंगे यार। किस किस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं सर? क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल 100%। इस बार नेट में दो तीन क्वेश्चन थे भाई, चैप्टर से तीन की चार ऐसे कुछ थे, तो बहुत ज्यादा आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे वास्ते। जेईई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ओके, तो जल्दी से बता देता हूँ यार, मैग्नेटिक फील्ड को आप किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा और बेसिक सा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहां पे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड को सिंबल जो होगा वो बी से रिप्रेजेंट करना है अपने, ठीक है। पहली बात, हाउ टू रिप्रेजेंट वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है। अगर ये बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगी तो मजा आ गया, ठीक है जी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, तो इसकी यूनिट क्या होगी सर? यूनिट आप निकाल सकते हैं, यू नो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, और टेस्ला को आप लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला याद हो, वैसे तो प्लस टू में आपने पढ़ी लिया है, मैं कंसेप्चुअली आपको बताऊंगा, तो फोर्स जो होता था वो IBL होता था, यहां से आप बी निकाल सकते हो। तो इसकी इसकी यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन पर मीटर एम्पियर, ये भी इसकी यूनिट होती है। अगर इस फॉर्म में लिखना है, न्यूटन पर मीटर एम्पियर भी हो जाएगी, टेस्ला तो है ही, और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये फ्लक्स के अकॉर्डिंग है। मतलब आप याद रखें यार, क्या फर्क पड़ रहा है, इस तरीके से आप याद रखें, ठीक है, ये आपने याद रखनी है इसकी यूनिट्स। ओके सर, बढ़िया है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, है ना, किस तरीके से लिखा, बी लिखेंगे, यूनिट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान से समझना। देखो भाई, अगर जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, समझ गए, ये व्हाइट बोर्ड है, और अगर फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, उनको फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो बाहर से आके इसमें एंटर कर रही है, ऐसे एंटर कर रही है इसमें, बाहर से आके इसमें, तो जब वो किसी प्लेन के अंदर एंटर करे, इनसाइड को जाए, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस 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 याद रखेंगे। यानी क्रॉस का यूज किया जाता है कि फील्ड इनसाइड को जा रहा है, इनसाइड फील्ड के लिए यूज किया जा रहा है कि फील्ड अंदर को जा रहा है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द पेज, जैसे आप नोटबुक पे अपने लिख रहे होंगे ना, तो अपने अंदर को उसके पेज के अंदर जा रहा है ऐसे, इनसाइड द प्लेन, समझ गए, इनसाइड अंदर को। तो दिस क्रॉस इज यूज, दिस साइन इज यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड, है ना, जो अंदर को एंटर कर रहा होगा, सिंपल आप समझ जाएंगे। अगर सर आउटसाइड को है, मतलब इससे बाहर को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे, तो ठीक है, यानी ऐसे जब आप लिख रहे होंगे तो आपके आपके पेज से बाहर को कोई चीज बाहर को आ रही है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द प्लेन, तो उसको हम इस डॉट से, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, समझ गए आप। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है बॉस, ये आपको पहले से याद होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो आउटसाइड है, है ना, आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, प्लेन से आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, बाहर को आ रहा है, ठीक है जी, बाहर को निकल रहा है इस तरीके से, और ये अंदर को जा रहा है इनवर्ड, यानी ये इनवर्ड है, आप ऐसे समझ सकते हो, और ये आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब आउट ऑफ द प्लेन भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, है ना, दिस इज इनसाइड द प्लेन, है ना, इनसाइड द प्लेन या इनवर्ड, एंड दिस इज आउटवर्ड, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो ऐसे समझो, लेट्स से मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, अब ये इस बुक का पेज है, ठीक है, ऐसे समझो, आप ऐसे ही तो लिख रहे होंगे ऐसे, तो इस बुक के अंदर ये मार्कर अगर एंटर करेगा तो इनसाइड वाला केस है, और अगर इसके बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा ऐसे तो आउटसाइड वाला केस है। तो बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा है, तो इस एक्सिस को पॉजिटिव मानते हैं, जो इनसाइड है उसको नेगेटिव मानते हैं, आगे जाके करेंगे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, आप ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। अगर आप मान लो कि इनसाइड कौन सी एक्सिस है, अगर इनसाइड जेड एक्सिस है, अगर इनसाइड डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, तो आउटसाइड में भी तो जेड होगी, अंदर माइनस जेड, तो जेड एक्सिस अगर मैं इनसाइड और आउटसाइड मान लूं, ठीक है, जैसे ये एक्सिस एक्स होती थी, ये एक्सिस वाई होती थी, और ये जो अंदर है ये जेड होती थी,
ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक्सिस इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। देखो अगर अंदर जा रहे हो तो इनसाइड जेड है और अब बाहर आ रहे हो तो आउटसाइड है, तो ठीक है। तो हम इसको इनसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन बतानी है तो माइनस के कैप लिखेंगे, क्योंकि जेड एक्सिस पे जो वेक्टर होता है दोस्तों के कैप होता है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, दैट्स व्हाई उसकी डायरेक्शन होगी माइनस ऑफ के कैप, यानी जेड डायरेक्शन में इनसाइड माइनस है, ठीक है। और इसकी होगी आउटसाइड, यानी इसको प्लस के कैप लिखेंगे। अगर हमने ये माना है कि जो इनसाइड द पेज और आउटसाइड द पेज जो एक्सिस हमने मानी है वो जेड है, अगर किसी ने एक्स मानी है तो आई कैप आ जाएगा, वाई मानी है तो जे कैप आ जाएगा, डिपेंड अपॉन की एक्सिस कौन सी है। नॉर्मली हम जेड ही लेते हैं ना यार बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेना, यूनिट मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉब्लम दोस्तों, इतनी जानकारी आपके लिए इसकी सफिशियंट है। अब मैं यहां से सबसे पहला लो आपको बताऊंगा इसका जो मैग्नीट्यूड था, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये बायोट सेवर्ट लो के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, बस उसका बेसिक सीखना है क्योंकि उसका यूज ज्यादातर नहीं करेंगे हम डायरेक्टली फॉर्मूले का टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो उसके थ्रू जो उसके एप्लीकेशन है उनके उनके जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आएंगे उनका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। वो मैं आपको असम तरीके से सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना बॉस, पेशेंस रखना पड़ेगा ना, ठीक है, कम ऑन। ओके तो जल्दी से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जानकारी लेनी है बस यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसके बारे में सर? बायोट सेवर्ट लॉ। देखो भाई इसके बारे में ये करना है क्योंकि इसी का यूज करके हम मैक्सिमम जितने भी केसेस होते हैं सबको डिराइव करते हैं, उनका रिलेशन निकालते हैं, बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो हम डायरेक्ट रिजल्ट्स का यूज करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। हाँ थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। देखो बायोट सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है, सबसे पहली बात तो ये है एप्लीकेबल, ठीक है, ओनली फॉर एलिमेंटल, है ना, एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग, ठीक है जी, करंट कैरिंग वायर के लिए एप्लीकेबल होता है। पहली बात तो आपने इतनी सी दिमाग में रखनी है, मतलब एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट होगा जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी उसमें एप्लीकेबल है आपका बायोट सेवर्ट लॉ। अब इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, उन्होंने बोला एक वायर ले लेते हैं, उन्होंने बोला एक वायर लेते हैं और इसमें करंट जा रही है आई, ठीक है जी, ये एक वायर है इसमें करंट आई फ्लो कर रही है आप देख सकते हैं। और हमें पता है एक चीज हम पहले समझ चुके हैं ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमने थोड़ी सी बेसिक यहाँ पे डिस्कशन करी है कि सर इस करंट की वजह से इसके आसपास के रीजन में एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, अब वो कितना होगा वो निकालना है, बस वो इन्होंने बोला कि कैसे निकाले उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हम कट करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे इसका कट किया छोटा सा लेंथ का, तो इसकी जो लेंथ है वो मैं डीएल मान लेता हूँ छोटे सी, है ना, और इसमें करंट जा रही हो तो हमें पता ही है इस तरीके से, ठीक है जी। और इससे किसी एंगल पे आर डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पे और डीएल के साथ जो एंगल बन रहा हो थीटा, और इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस हो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है जी, ये हमें निकालना है। तो एक चीज आप देखो, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, कुछ यहाँ पे लो वो बनाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है सर, इसमें जो करंट जा रही है उसकी वजह से इस पॉइंट पर इस एलिमेंट की इतनी लेंथ की वजह से, ये छोटी सी जो लेंथ है डीएल, छोटा सा एलिमेंट है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा सा ही होगा इसकी वजह से, यानी डीबी होगा, ठीक है। तो हाउ यू कैन राइट दिस, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू नो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे म्यू नॉट, दोस्तों इसका फॉर्मूला जो बनेगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर 4πr², ध्यान से समझना, ये होता है फॉर्मूला, आप सबने पढ़ा होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, आप सबने पढ़ा है। ये जो थीटा है ये किसके बीच में एंगल है, ये r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में एंगल है, तो इस पॉइंट पे r वेक्टर dl वेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखना r वेक्टर इधर को है पॉइंट p के लिए और dl इधर को है, तो r वेक्टर इधर को है और dl मान लिया इधर को है, ठीक है, ये dl है तो ये थीटा है, तो dl क्रॉस r, यहाँ पे हम क्या लेते हैं dl क्रॉस r लेते हैं हमेशा, यानी dl क्रॉस r लेते हैं, इसलिए अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल होता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू कैन राइट म्यू नॉट i ओवर 4π एज इट इज इनटू dl क्रॉस r वेक्टर आप लिख सकते हैं, और नीचे आएगा r क्यूब, ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। और आपको बताया a क्रॉस b, तो ए बी साइन थीटा होगा, ओपन होके यही बन जाएगा, ठीक है, ओपन होके यही बन जाएगा, आप ध्यान से समझें, ठीक है, ये है सारी कहानी। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक इस पॉइंट पे किस किस बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से चेंज हो जाएगा, ये फैक्टर तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, करंट चेंज करने से चेंज हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर यानी डीएल पे उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो करंट पे डिपेंड कर रहा है, उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच एंगल कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो उन सबके चेंज करने से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है, यहां से ये पता चल रहा है आपको, ठीक है। इतनी सी जानकारी, दैट इज सफिशियंट। अब देखो ये क्या आया सर, ये क्या है यहाँ पे म्यू नॉट। देखो भाई इस पूरी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट ओवर 5 4π 10⁻⁷ होती है, ठीक है। और ये जो म्यू नॉट है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक, ठीक है, परमेबिलिटी। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे वहां पे एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द यू नो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की, है ना, फ्री स्पेस। जब यहाँ पे वैक्यूम हो, एयर हो, कोई अदर मीडियम ना हो, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है एयर में या फिर वैक्यूम में चल रहा है, समझ गए लॉजिक। तो इस तरीके से आपने मान लिया द मोस्ट रेयरेस्ट मीडियम। अगर सर कोई मीडियम है तो फिर तो आप लिखेंगे नोट करके, इन प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम। अगर दोस्तों वहां पे कोई मीडियम भी है ना, फिर क्या करेंगे आप, अगर कोई मीडियम भी है तब आप यहाँ पे रिलेटिव यानी मीडियम की परमिटिविटी यूज करते हैं, और मीडियम की परमेबिलिटी यूज करते हैं, और वो होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ध्यान देना इस बात पे, ये है मीडियम की। अगर कोई मीडियम है, एयर नहीं है, वैक्यूम है, उसकी जगह कुछ और मीडियम है ना बॉस, तो आपने ये वाला यूज करना है, यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी। इतनी बातें आप याद रखें क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी को लिखा जा सकता है मीडियम की ओवर फ्री स्पेस की, दिस इज द रेशियो एज वेल यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो इतना सा बेसिक इसमें याद रख लेना, कभी कभी क्या होता है कि इसका वैक्टर फॉर्म पूछ लेता है, तो आपने ध्यान से देखना है क्या बनाया मैंने, किस तरह, नॉट आर क्रॉस, नॉट आर क्रॉस डीएल, है ना, ये नहीं करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, समझ गए। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन होती है, ध्यान से समझना, अभी डायरेक्शन का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इसके थ्रू निकालना है जी, ठीक है, ठीक है। सारे जितने भी केसेस आएंगे ना वो इसी के थ्रू आएंगे, बट इसके थ्रू हम करेंगे नहीं, मतलब हम डिराइव ऑलरेडी करके मैं आपको रिजल्ट यूज करना सिखाने वाला हूँ, वो ही इंपॉर्टेंट है यार न्यूमेरिकल करने के लिए। इस पूरे लेक्चर से ना आपके टाइप वन के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जिस टाइप के क्वेश्चन 99% हमारे एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ध्यान से सारी चीज सीखते रहना, मस्त तरीके से आगे आने वाली सारी चीजें ऑसम होने वाली है हमारे लिए, ठीक है। ओके, सो थोड़ी बेसिक नॉलेज हमने ले ली है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं यार, जो हम इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्शन बना रहे हैं ना उसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दो कांसेप्ट आपके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर से बेसिकली दो कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर आपके होने चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चले कि इनसाइड द पेज आ रहा है या आउटसाइड द पेज आ रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। बस दो चीज पता चलेगी तो यार क्वेश्चन ही हो जाएंगे ना बॉस, फिर तो कैलकुलेशन बचती है, कोई पंगा आएगा ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो कंसेप्ट टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो जल्दी से। नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोस्तों, बट मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल का हम यहाँ पे नॉर्मली यूज, राइट हैंड है भाई, ध्यान से समझना। अब ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम दो वायर के लिए बात करेंगे, पहला फॉर स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट करंट, अगर वो वायर स्ट्रेट है, करंट कैरिंग वायर, तो उसके लिए कैसे यूज करना है, और दूसरा फॉर सर्कुलर लूप, है ना, सर्कुलर लूप, एक ऐसा लूप होगा जो सर्कुलर फॉर्म में होगा, करंट कैरिंग मतलब वायर स्ट्रेट है तो क्या होगा, वायर सर्कुलर फॉर्म में है तो क्या होने वाला है ना, ये सब कुछ आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए और मजा आ जाएगा भाई। देखो ना, वायर यार स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में भी हो सकता है कि नहीं, एक एक सेमी सर्कुलर हो सकता है, कंप्लीट सर्कल हो सकता है, एक आर्क फॉर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअली नहीं मतलब लूप हो सकता है एक तरीके से, तो इस तरीके से आप समझेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, तो टेक यू नो यूज योर राइट हैंड, ये राइट हैंड आपने यूज करना है। सो कैसे इसका यूज करना है मैं बताऊंगा ना, टेंशन ही, अपने अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस फंडे को बोलता हूं दोस्तों मुक्का, मुक्का याद है, मुक्का थप्पड़, क्या बात कर रहे हो, रूल मैं ऐसे आपको सिखाने वाला हूं जिससे आप जिंदगी में कभी भूलेंगे इच नहीं। मुक्का सबके पास है, मुक्का बना लो, थप्पड़ थप्पड़ बना लो, मुक्के से थप्पड़ बना लो, मुक्के से फटाक थप्पड़, कभी हम मुक्के का यूज करते हैं, कभी हम थप्पड़ से ही काम चल जाता है, ये कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। तो क्या करेंगे सर, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो मुक्का पहले लिखा है ना, अगर थप्पड़ से मुक्का पहले लिखा है तो ये रूल यूज किया जाएगा, मतलब राइट हैंड पाम रूल अकॉर्डिंगली, आप टेंशन मत ले, ये यूज करेंगे हम
इसके लिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कम ऑन गाइस, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैसे सर? देखो सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट नीचे से ऊपर को ऐसे जा रही है, ठीक है, करंट ऊपर को जा रही है। तो ध्यान से देखेंगे आप, ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आया कि वायर सीधा ऐसे रखा हुआ है तो इस तरीके से करंट जा रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी रखा होगा वायर, इस तरीके से रखा है या ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, कैसे भी रखा हो आप बस ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब या तो इस वायर के आप राइट में देखोगे या लेफ्ट में, ऑब्वियसली फील्ड पूछोगे भाई इधर या फिर इधर। तो लेट्स सी आपने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया P1 और इधर भी कोई पॉइंट ले लिया आपने कोई P2, आप चाहते हो उसके, देखो ना एक रीजन इसका लेफ्ट में है, लेफ्ट वाला रीजन है, और एक रीजन इसका राइट वाला है। यार क्या बात कर रहे हो, ये राइट वाला रीजन है यार, ठीक है ना, ओके सर। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, तो नीचे से ऊपर को, या तो राइट रीजन में पूछेगा कि फील्ड कैसे जा रहा है या लेफ्ट में पूछेगा कैसे बता रहा है। देखो कीप योर मुक्का, मुक्का बना लो, मुक्का बना लो, कीप योर मुक्का इस वायर पे, प्रोसेस बता रहा हूँ हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट। मुक्का बना ला और थंब को ओपन करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किधर को जा रही है ऊपर को, थंब ओपन कर लिया और मुक्के से थप्पड़ बनाना है। मुक्का थप्पड़ क्यों बोला, मुक्के से थप्पड़ बनाना है मतलब फिंगर्स को ओपन करना है और फिंगर्स को ओपन, देखो मुक्का बनाया, कीप योर दिस थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यस, और ओपन योर फिंगर टूवर्ड्स द पॉइंट जहां पे वो पॉइंट है जिधर अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ये रहा देखो, आप देखो बन गया ना थप्पड़, मतलब मुक्का थप्पड़ बन गया। तो जो फिंगर है फिंगर की डायरेक्शन बताती है पॉइंट इधर है, तो जो पाम है पाम वो उसको डायरेक्शन किधर है, पाम अंदर को है प्लेन के या बाहर को है वो बताती है हमें, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। अगर पाम है इनसाइड को तो डायरेक्शन उधर को ही जा रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, अगर पाम है आउटसाइड को तो डायरेक्शन उधर को ही जा रही होगी, समझ गए। तो इस केस में जब करंट ऊपर को जा रही है, देखो करंट जा रही है अप, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, पाम है अंदर, देख लो इनसाइड, तो यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा, इससे पता चल गया इनसाइड हो गया, समझ गए। अगर पाम मेरी ऐसी होती तो आपकी तरफ बाहर को, तो ये आउटसाइड लेते हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए लॉजिक। यानी कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, देन इन द डायरेक्शन दिस पाम, पाम जो होगी पाम आपको बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल लॉजिक है यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है समझ गया लॉजिक। अब आप बोलोगे यार सर अगर इस पॉइंट पे देखें तो अगेन कीप योर मुक्का वायर पे और थंब ओपन करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को ओपन करना है हमेशा जिधर पॉइंट है, तो पॉइंट इधर है, देखो ओपन कर लो, हो गया, फिंगर्स बता रही पॉइंट इधर है, पाम अब आउटसाइड है, दिख रहा है, देखो ये मेरी पाम है आउटसाइड, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, मतलब इधर से सारा फील्ड बाहर को निकल रहा होगा, ऐसे इधर को अंदर को जा रहा होगा, इस रीजन में कहीं भी देखो अंदर को फील्ड जा रहा है, इस रीजन में कहीं भी देखो फील्ड अंदर को जा रहा है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी बना देंगे। और यहाँ पे अंदर को जा रहा है, देखो यहाँ पे हर इस रीजन में, इसके लेफ्ट साइड में हर रीजन में सारा फील्ड बाहर को आ रहा है ऐसे, और इधर इधर से बाहर आके इधर एंटर कर रहा है, क्या बात है सर, स्मार्ट बन रहे हो, इधर से आके इधर एंटर कर रहा होगा ऐसे समझो, इसके इस तरीके से फील्ड अब जा रहा होगा, इस तरीके से मतलब इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, देखो इसमें करंट जा रही है तो फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो इधर से निकलते हुए इधर को एंटर करते हुए इस तरीके से घूम रहा होगा, समझ गया लॉजिक, इस तरीके से घूम रहा होगा देखो फील्ड, या इधर से बाहर निकलते हुए इधर को एंटर करते हुए, इस तरीके का एक यहाँ पे लूप टाइप का बन तब वो आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ गया लॉजिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी, एंड दिस इज हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, राइट हैंड पाम रोल, द मुक्का थप्पड़ रोल, कन्वर्ट योर मुक्का इनटू थप्पड़, समझ गए। तो होप सो आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। देखो अगर आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन डाउन कर दी, रिवर्स कर दी, चेंज कर दी, तो यार देखो अब आप दिमाग लगाओ, आप रूल वूल अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप दिमाग लगाओ कि इस साइड में जो पॉइंट होगा, जब करंट अप थी तो इनसाइड था, पक्का अब इस साइड में आउटसाइड हो जाएगा और इस साइड में इनसाइड हो जाएगा, करके देख लो, करंट है डाउन, पॉइंट है इधर, तो करंट डाउन पॉइंट इधर, देखो आउटसाइड द प्लेन, पाम है आउटसाइड द प्लेन, हाँ इधर देख लो करके, करंट इधर है, इधर इनसाइड द प्लेन, ऐसे देखो फिंगर्स आपकी इधर आएंगी और ये, और आपने अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, अगर करंट की डायरेक्शन डाउन है तो इधर आउटसाइड और इधर इनसाइड, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पढ़ा था बायट स्ट्रेट के अकॉर्डिंग करंट पे डिपेंड कर रहा था, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो मैग्नेट्यूड चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा था, बॉस क्या बात कर रहे हो आप यार सर, अगर वायर ऐसे हुआ तो
तो नो प्रॉब्लम, इधर पॉइंट पी वन ले लेना, इधर पॉइंट पी टू ले लेना। देखो अब आपने करंट जो मुक्का है, मुक्का ऐसे रखना है कि आपका थंब करंट के डायरेक्शन में रहेगा, पॉइंट ऊपर है तो फिंगर्स पॉइंट की तरफ, देखो पाम आउटसाइड है तो इसके ऊपर साइड में हर जगह फील्ड क्या होने वाला है, हर जगह फील्ड क्या होने वाला है, आउटसाइड। और करंट इधर है, पॉइंट नीचे है तो पक्का इधर तो इनसाइड ही होगा, पक्का इधर तो इनसाइड ही होगा। एक साइड आउटसाइड, एक साइड इनसाइड, कुछ भी कर लो यार, किसी भी एंगल पे कैसे भी रख लो, टेंशन नहीं है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। एंड दिस रूल इज वैलिड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसमें कोई रूल आपको अप्लाई करने की जरूरत है भी नहीं, डायरेक्टली बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। वैसे तो उल्टा कर देते हैं हम, थप्पड़ पहले बनाएंगे फिर मुक्का बनाएंगे, उसको बोलते हैं थप्पड़ मुक्का रूल, इसको बोलेंगे मुक्का थप्पड़ रूल, ठीक है, कभी नहीं बोलोगे, इसलिए नाम दिया मेरा है, मैंने बनाया अपने अकॉर्डिंग। वैसे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो राइट हैंड पाम रूल है ऑब्वियसली, ठीक है। सबके अपने फंडे, सबके अपने तरीके हैं यूज करने के, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आपके दिमाग में चला जाए, आप भूलो ना चीजों को, उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस इज आवर लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले वो क्वेश्चन किससे मिलकर बना वो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले डायरेक्शन कैसे डिफाइन करनी है, फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये सीखेंगे, उसके बाद ही तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे ना यार। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे फिर फंस जाओगे कंसेप्ट में, फिर मजा नहीं आएगा, आप फिर को लगेगा कि फिजिक्स तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, क्योंकि आप अपने बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, इसलिए आपको टफ लग जाती है। जो 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 उस बिल्डिंग को बनाने में जो चीजें यूज हुई है इनिशियली, पहले उस पर फोकस किया करो दोस्तों, उस पर फोकस किया करो, उसके बाद तो हम टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक फौजी को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, जिससे वो टिपिकल सिचुएशन में फाइट कर सके। अगर उसको वो सारे तौर तरीके नहीं सिखाए जाएंगे, कैसे बचना है, कैसे फाइट करना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है, डिफेंस कैसे करना है, यू नो टारगेट को हिट कैसे करना है, तो वो कैसे कर पाएगा, समझ गए, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए पहले बेसिक फाउंडेशन पे जो मेन मेन चीजें हैं उनको सीखा करो। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे। सो देयर इज ए करंट कैरिंग सर्कुलर, अब मैं सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूं, वायर की बात कर रहा हूं जिसमें करंट है, हो सकता है वो करंट ऐसे फ्लो कर रही हो। देखो एक लूप है पूरा सर्कुलर, ये कंप्लीट लूप भी हो सकता है या किसी आर्क फॉर्म में भी हो सकता है ऐसे, ये इसका एंड ए से बी तक खत्म हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसमें करंट देख लो। अब इसमें कोई रूल भी अगर आपको नहीं आता ना तो कोई टेंशन ही नहीं है बॉस, इसमें तो इजीली आप कर सकते हो, रूल यूज मत भी करना, डायरेक्ट ही करना। आप कैसे, सर देखो अगर करंट है एंटी क्लॉक वाइज, ओके ओके एंटी क्लॉक वाइज, तो क्या करेंगे सर, देखो जैसे ये एंटी क्लॉक वाइज है, दिख रहा है ना इतना, तो एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉक वाइज करंट मतलब ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉक वाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ऑलवेज आउटवर्ड होगा, ध्यान रखना हमेशा आउटवर्ड होगा, यानी इसके सेंटर पे पूछेगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर को आ रहा होगा, बाहर को आउटवर्ड होगा, ध्यान रखना हमेशा, मतलब प्लस के कैप आप यूज करने वाले हैं अगर जेड डायरेक्शन मान रहे हैं हम उस डायरेक्शन में, तो हमेशा ऑलवेज लिख दे मैंने ऑलवेज आउटवर्ड, आपको टेंशन लेना ही नहीं है यार। जैसे अगर मान लिया कंप्लीट सर्कल नहीं है और करंट ऐसे जा रही है, अगर ये कंप्लीट घूमती तो एंटी क्लॉकवाइज होती, तो इसका सेंटर कहीं भी होगा, देखो यार यहाँ होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा, क्योंकि इसका जो सेंस है जाने का घूमने का वो ऐसे है कि नहीं है। अब नेक्स्ट, इफ करंट इज क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज है तब क्या करेंगे सर, अगर दोस्तों करंट आपकी क्लॉकवाइज है ना चांदी मेरे, तो क्या करेंगे चांदी मेरे, तो देखो तो करंट अगर सर क्लॉकवाइज है ना, देखो ये वायर है और करंट ऐसे है उसकी जस्ट अपोजिट क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसके सेंटर पे इसके प्लेन के अंदर होगा फील्ड हमेशा इनसाइड, यानी ऑलवेज इनसाइड, तब ये फील्ड हमेशा इनसाइड होगा, मतलब माइनस के कैप आप लेंगे वेक्टर के फॉर्म में अगर लेना है, तो ये ध्यान रखना डायरेक्ट ही, कोई टेंशन नहीं, आप रूल वूल यूज करने की यहाँ कोई जरूरत आपको है नहीं, इन केस ऑफ यू नो सर्कुलर टाइप ऑफ लूप, करंट कैरिंग लूप या वायर, समझ गए लॉजिक। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी मेरी जुबानी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब कुछ अब हमने सीख लिया है। अब एक छोटा सा आइडिया आपको लग ही गया होगा कि अब हम जा रहे हैं यहाँ पे उन कंसेप्ट को सीखने जिनके थ्रू हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको सीखने हम जा रहे हैं। तो करेंगे क्या सर, मैंने दो ही वायर की यहाँ बात करी है, दो ही टाइप के, एक स्ट्रेट वायर एक सर्कुलर टाइप का वायर, दोनों की वजह से डायरेक्शन हमने सीख लिया है। अब हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर्स, वो हमने सीखना है, बस कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोसेस। फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन हम उड़ा डालेंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, एक बार मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना आ गया तो फोर्स को तो हम ऐ में ही उड़ा डालेंगे यार, फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट उड़ा डालेंगे यार, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेसिक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं यार, इसको किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और कौन कौन सी कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने बेसिक कंसेप्ट जो भी था इसके रिगार्डिंग आपको डिस्कस कर लिया, अब मैथमेटिकल
कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है जिसका आप यूज करोगे क्वेश्चन करने के लिए, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जिससे कॉन्सेप्ट को तुरंत अप्लाई करना आपको आ जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, सो डोंट वरी, आपको हर कंडीशन पे हर कैटेगरी क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, मान लेना एक वायर है लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है सर। और ड्यू टू सर्कुलर वायर, ओ हो क्या बात कर रहे हो सर, यस। आज के इस लेक्चर में केवल एंड केवल हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर वायर प्लस इसके दोनों के कंबाइंड जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, उनके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मजा आने वाला है बॉस, मचाने वाले हम, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी बी किसकी वजह से, ड्यू टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएंगे, करंट Carrying, okay, straight wire, है ना। मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रेट वायर की। लेट्स सी, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट जा रही है, ठीक है। और ये वायर का एंड ए मान लो, ये वायर का एंड बी मान लो, आपकी मर्जी है। इस वाले एंड को फर्स्ट एंड मान सकते हैं आप, दिस इज योर फर्स्ट एंड ऑफ द वायर, और इसको आप सेकेंड एंड मान सकते हैं। एक डेफिनेट लेंथ का एक वायर मैंने लिया है, ठीक है जी। अब प्रोसेस क्या है, जो प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करने है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। हम डिराइव नहीं कर रहे रिलेशन, रिलेशन का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट यूज करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हमें अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब देखो, हमें एक चीज तो क्लियर है कि इसमें करंट है, तो करंट की वजह से इसमें इसके इस साइड में, इस साइड में फील्ड तो कुछ ना कुछ होगा, बट कितना होगा अब निकालेंगे ना, क्या बात कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसके पास कहीं पॉइंट कुछ लेंगे P, और उस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से समझना, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेट वायर होना चाहिए, डेफिनेट लेंथ होनी चाहिए, वेरी लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लॉन्ग वायर नहीं होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी लेंथ का नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेट लेंथ। तो फॉर्मूला हमेशा 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 ये यूज होगा, ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 4πd इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश करूंगा, इसको कैसे समझना है, ये है फाइनल फॉर्मूला, ये तब यूज होगा जब एक स्ट्रेट वायर होगा डेफिनेट लेंथ पर, उसकी वजह से उसके पास की किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा दोस्तों मेरे, ठीक है ना, कम ऑन। अब देखो सर, म्यू नॉट ओवर 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है, सबको पता होती है, 10⁻⁷। करंट भी गिवन होगी, डी क्या है सर, डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए पॉइंट को वायर से डायरेक्ट ज्वाइन करना है परपेंडिकुलरली। देखो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा वायर के साथ 90° पे होनी चाहिए, यानी दिस शुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब डी की वैल्यू निकालोगे तो डी हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सर कैसे निकालेंगे, पॉइंट को वायर से डायरेक्ट ज्वाइन कर देना परपेंडिकुलरली, जो भी डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कही जाती है, इतना तो याद रख सकते हो ना। जब क्वेश्चन करेंगे तो टेंशन नहीं लेने का, सब सिखाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात है सर। अब सर एंगल कैसे लिखाएंगे, यूज करेंगे, थीटा 1 क्या है यहाँ पे, थीटा 2 क्या है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, जो वायर का फर्स्ट एंड है यानी जो अपसाइड एंड होगा, ये वाला इधर ऊपर फिर ये नीचे वाला, इसको एंड को ज्वाइन करो, ठीक है, ये करना ही करना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो ये प्रोसेस वहां पे करना ही करना है, ठीक है। तो इस वाले एंड को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस डिस्टेंस वाली लाइन से एंगल मेजर किया जाता है, इस डिस्टेंस तक जिस लाइन से आपने ज्वाइन किया, इस लाइन तक देखना, एरो देखना ध्यान से, और यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी क्वेश्चन आपके सही होंगे। लेट्स सी, एंगल थीटा 1 है, फिर आप नीचे वाले सेकेंड एंड को ज्वाइन करो, देख लो इसको ज्वाइन कर लो उससे, तो अब इसी डिस्टेंस वाली लाइन से इधर देखो एंगल कितना है, सपोज करो थीटा 2 है, डिस्टेंस जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट हमेशा इस डिस्टेंस से करना है, और एंड को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन तक एंगल लेना है। अब देखो ये एंगल का मेजरमेंट इधर हो रहा है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज टाइप हो रहा है ये, और ये वाला एंगल का मेजरमेंट इसी से इधर को हो रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज टाइप है, मतलब दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एंगल अपोजिट होंगे, इस बात का पहले से ही ख्याल रखें, ठीक है। एक अगर ऐसे मेजर हो रहा है तो दूसरा वैसे मेजर हो रहा है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एक प्लस होगा, एक पक्का माइनस होगा, एक पक्का माइनस आएगा, कैसे सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बट वो किस कंडीशन में होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट वायर के जस्ट सामने है, वायर की लेंथ ए से बी तक यहां तक है, मतलब अगर वायर का मैं रीजन देखूं इतने में है ये केवल,
तो ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी, ये कहीं ना कहीं इस वायर के इस रीजन में होना चाहिए, यहां की बजाय यहां हो सकता है, मैक्सिमम यहां हो सकता है, इस एंड के सामने, इधर नहीं होना चाहिए। अगर ये इस रीजन में है कहीं ना कहीं, देखो पूरी लेंथ देख लो, है ना, ये इतना पूरा रीजन कवर कर रहा है, एंड ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पे, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इस एंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस एंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हर केस में अगर ये इस पूरे रीजन में है कहीं ना कहीं पॉइंट, तो थीटा वन थीटा टू की वैल्यू एज इट इज पॉजिटिव ही लेंगे, जो भी होगी वो एज इट इज ले लेंगे, और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज इट इज, व्हाट एवर द गिवन वैल्यू यू जस्ट पुट हियर। ओके, बस आपको पता होना चाहिए थीटा वन कितना है, थीटा टू कितना है, बहुत ध्यान से समझना हर पॉइंट इस केस में। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई बात नहीं, बस दो चीजों पर ध्यान देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड थीटा वन एंड थीटा टू की वैल्यूज, इन चीजों पर फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, अप्लाई कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, अब अप्लाई करते हैं, इसके केसेस देखते हैं, कितने टाइप के केस हो सकते हैं वो सब आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे और वन बाय वन फिर उसका हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बॉस? ओके ओके, तो जल्दी से देखो यार, ये जो मैंने केस आपको बताया ना, एक्चुअली ये डेफिनेट लेंथ का वायर है, तो उसको न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो कराऊंगा मैं आपको, पहले केसेस में डिस्कस कर लेता हूं, जिससे बाद में हर एक क्वेश्चन में वन बाय वन आपके साथ डिस्कशन करूंगा और मजा आने वाला है। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस में यार डिस्कस कर रहा हूं, हर इंपॉर्टेंट केस पे न्यूमेरिकल आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे, इसलिए आपने बहुत ध्यान से सीखना है। तो पहला केस दोस्तों, इफ, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में बोला गया वायर इज वेरी लॉन्ग, वायर इज वेरी लॉन्ग, अगर गलती से क्वेश्चन में ये बोल दिया, वेरी लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, है ना, अगर वो बहुत लॉन्ग है। अब और उस लॉन्ग वायर के सामने, जैसे कैसे सर, ये रहा देखो, ये वायर है, इसका ये वाला एंड भी कहीं इन्फिनिटी पे होगा और ये वाला एंड भी कहीं इन्फिनिटी पे होगा, माइनस से कहीं प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक है, वेरी लॉन्ग का मतलब इन्फिनिटली यू नो लॉन्ग होगा, और उसमें करंट जा रही होगी, और उसके पास का पॉइंट, जब बहुत बड़ा वायर होता है ना, तो जो पॉइंट हम लेते हैं तो उसके बहुत पास माना जाता है फिर, एंड द पॉइंट इज यू नो जिसपे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो वायर के बिल्कुल क्लोज है और उसके इन फ्रंट है, क्योंकि वायर तो इन्फिनिटी तक है, तो ले लो आप कहीं भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये जो डिस्टेंस होती थी परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, तो इस केस में जब वायर वेरी लॉन्ग दे, अगर वो गलती से भी बोल दे, और उसके पास के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो फॉर्मूला तो चांदी यही है, देख लो, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी ही है, साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू ही है, लेकिन डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर नहीं दे रखे तो निकाल लेंगे, बट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब थीटा वन थीटा टू इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, जब आप वेरी लॉन्ग वायर की बात करते हो, वेरी लॉन्ग, तो थीटा वन एज वेल एज थीटा टू बोथ बिकम्स 90 डिग्री, हमेशा याद रखियो, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। यार क्या बात कर रहे हो यार, कैसे सर? जब आप इस वाले एंड को मिलाओगे कहीं इन्फिनिटी से, तो ये जब पॉइंट पी पे ज्वाइन करोगे, तो ये एंगल जो होता था थीटा वन, देखो ये लगभग लगभग 90 नजर आएगा, और चूंकि ये लाइन पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाएगी ना, दो लाइन इन्फिनिटी पे अगर जा रही है, मतलब वो पैरेलल है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला, और जब इस वाले एंड को कहीं दूर से लेके आओगे और ज्वाइन करोगे, तो देखो ये भी लगभग लगभग 90 ही बन जाएगा, तो 90 दोनों 90। तो इस केस में डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जब 90 प्लस 90 तो 2 हो जाएगा, साइन 91 साइन 91 2, तो बी पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट 2 आई ओवर 4 पाई डी, तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा बोलो जल्दी से, कब? जब वेरी लॉन्ग वायर होगा, उसके पास के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो हमेशा यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फॉर्मूला, क्योंकि साइन थीटा थीटा टू दोनों 90 होते हैं, साइन 91 साइन 90 ये भी साइन 90 टू टू हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 2 से ये 4 पाई मत काटना, क्योंकि ये वैल्यू हमें नोन होती है 10^-7, इसलिए 2i ओवर d रखना, बस खत्म। पहला केस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस आ जाओ, यहीं पर बताऊंगा, फॉर देखना ध्यान से, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, मतलब ऐसा वायर जो सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक एंड उसका कहीं ना कहीं फाइनाइट हो गया, दूसरा इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, कैसे ऐसे देखो 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 देखो। तो मैंने क्या किया, एक वायर लिया मैंने ऐसे, ये रहा वायर, ये वाला एंड सब सपोज करो यही है, लेकिन ये वाला इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं इन्फिनिटी तक ऐसा अगर आ गया, और इसके जो एंड इसका फाइनाइट है, जो ये वाला एंड, इसी के जस्ट सामने कोई पॉइंट ले लो डी डिस्टेंस पे, ठीक है, इसी के जस्ट सामने, और देखो ये डी इस वायर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसमें करंट है, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर है ये एक तरीके से, इसमें दोनों एंड इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कंप्लीट वेरी लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसमें एक एंड देखो यार फाइनाइट हो गया, एक इन्फिनिटी पे चला गया, इस केस में जो फाइनाइट एंड है उसके जस्ट सामने, उसी के सामने एक पॉइंट पी होगा जिसपे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, ध्यान देना कंडीशन ये है, जब ये कंडीशन यूज होगी तब ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से
अब क्या करोगे सर, देखो इन्फिनिटी वाले को जब इससे ज्वाइन करोगे पी से, तो ऊपर वाला ये थीटा वाला जो एंगल होता था, थीटा वन मानते थे ना हम इसको, ऊपर वाले को ये 90 हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों इसी से डिस्टेंस देखते हो है ना, और इसी एंड को आप इससे ज्वाइन कर रहे हो, तो थीटा टू जो नीचे वाला होता था वो जीरो हो जाता है इस केस में। आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर आपको ये कुछ भी क्लियर ना हो। थीटा वन यहाँ 90 हो जाएगा, थीटा टू जीरो हो जाएगा, मतलब एक एंगल 90 एक जीरो। तो अगर एक 90 एक जीरो, तो ये जीरो ये 90, तो आंसर बचेगा दोस्तों आपके पास म्यू नॉट आई ओवर 4πd, तब आपके पास ये आंसर बचता है। ध्यान से देखेंगे आप, तब आपके पास ये आंसर बचता है। तो अगर कैसे पता चलेगा, इफ पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ द वायर, ये क्या है पॉइंट, इफ पॉइंट पी इज इन फ्रंट ऑफ एनी वन, या वन एंड ऑफ द वायर है ना, वन एंड ऑफ वायर, बहुत यूज होगी ये कंडीशन बहुत ज्यादा। मतलब जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है जी, मतलब एक एंड उसका इन्फिनिटी तक है, एक एंड कहीं पे उसका रुक जाएगा, फाइनाइट होगा, और उसी के जस्ट सामने, जैसे ये मार्कर है ना, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए ऊपर तक, लेकिन ये एंड ऐसे ही रहे, और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट हो इन फ्रंट ऑफ द एंड ऑफ द वायर, ध्यान से मैंने लिख दिया यहां पे, ये कंडीशन मेन है ये, तब ये फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट, यानी जब वो उसके जस्ट एंड पे होगा, एंड पे, ठीक है, वो पॉइंट उसके जस्ट एंड पे होगा, एक एंड के सामने होगा, जस्ट एंड के सामने, तब ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ध्यान से समझ देना सारी चीजें, स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला कब यूज होता है, फाइनाइट लेंथ हो, ये इनफाइनाइट लेंथ है तो डायरेक्ट यू कैन यूज दिस, है ना, और ये कब है, जब इनफाइनाइट लेंथ तो है, सेमी इनफाइनाइट, पर एंड के सामने है पॉइंट, एंड पे आना, ओके यहां पे नहीं है, ठीक है, एंड के सामने है जस्ट। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना, तीसरा पॉइंट क्या सर, अगर मेरे पास कैसा भी वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, फाइनाइट है नहीं है कैसा भी है, बस करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट, और गलती से वो पॉइंट उस वायर के रास्ते में है, उसी लाइन पे है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो लेना है, जीरो ही होगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है, ठीक है। देखो इसी वायर पे करंट जा रही है, मतलब जो करंट है वो इस वायर में फ्लो कर रही है, और इसी के रास्ते में आगे भी हो सकता है, इधर कहीं पीछे भी हो सकता है, अगर कोई पॉइंट गलती से भी करंट कैरिंग वायर के लाइन पे आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो नहीं। ये सारे रिजल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे, इसीलिए बोल रहा हूं हर तरीके से समझना, नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से, देखते रहना, पहले मैं समझा रहा हूं फिर इनका एप्लीकेशन करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएंगे ना, मजा आ जाएगा बॉस, ठीक है। अब बॉस ये तो रही इसकी नॉर्मल सारी जितने भी कंडीशन होते हैं मेंस और जेईई तक के एग्जाम में, अगर इसका एक अल्टीमेट क्वेश्चन आया, मतलब तुम्हें फंसाने की कोशिश अगर उसने करी बॉस, तो अब वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको फंसाने की कोशिश करेगा कंसेप्ट में या न्यूमेरिकल में, वो कैसा हो सकता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा, वो मैं कैटेगरी 4 में ले रहा हूँ, ठीक है, कम ऑन। ओके सो लास्ट केस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे आने वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, तो वो बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कंडीशन क्या है, पता कैसे चलेगा कि सर यही कंसेप्ट यूज होगा वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, देखो मैंने लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आएगा। उसने बोला इफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट सर, पी पॉइंट, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, वो पॉइंट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द वायर, वायर कैसा भी हो सकता है, डेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, कुछ भी हो सकता है ना, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे सर, अब कैसे सर, मतलब कैसे, देखो वैसे अगर मान लिया एक वायर आपके पास, इसमें करंट फ्लो कर रही है, भाई समझ रहा, सारे फंडे बता रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल तो फिर हम आराम से सॉल्व कर सकते, कोई पंगा इच नहीं है। अब देखो हमारे पास दो एंड होते थे, एंड ए होता था, ये बी होता था, होता था कि नहीं, ठीक है, इसमें करंट जा रही है, अगर देखो अभी तक हमने जो भी पॉइंट इमेजिन किया हो वायर के जस्ट सामने होता था, या तो कहीं यहां पे होता था या एंड के सामने होता था, मतलब इस रीजन में कहीं भी हो, इस रीजन में, तो जो अभी मैंने बताया वो सब एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर गलती से वो पॉइंट इस रीजन से बाहर हो जाए, कहीं यहां पे हो जाए, ध्यान से, तो देखो इस रीजन में वो पॉइंट है ही नहीं जिसमें वायर लाई कर रहा है, इस लेंथ के अकॉर्डिंग इस रीजन में कहीं पॉइंट है ही नहीं, अगर यहाँ नहीं है या तो उसके ऊपर चला गया या इधर कहीं क्यों इधर आ गया है। आप ध्यान से समझना मेरी बात, है ना, बहुत मजा आने वाला है बॉस, ठीक है। आज से कंडीशन अगर आ गई चांदी तो क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, तो ऐसे पॉइंट पे कैसे निकालोगे, देखो इधर भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने बोला सबसे पहले आपने दोनों एंड से ज्वाइन करना है, तो पहला ये रहा, ठीक है सर, ठीक है पक्का, दूसरा ये रहा एंड, ज्वाइन कर दिया सर, डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस बनाओ P से वायर तक जो परपेंडिकुलर हो, अब वायर तो यहीं तक खत्म हो गया ये वाला, अगर इसकी बात करूं मैं, तो इस वायर को आप आगे एक्सटेंड कर लो ऐसे, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, है देख लो ये 90 डिग्री पे है,
इसको डी मानेंगे, परपेंडिकुलर जो हम लेते थे, और इसी डी से दोनों एंड की एक्सिस के साथ लाइन के साथ एंगल लेते थे, ठीक है। एक को क्लॉकवाइज तरीके से देखते थे, एक को एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो, इस डी से दोस्तों मेरे, इस डी से अगर मैं फर्स्ट एंड वाले को मानूंगा, तो मैंने बताया था इसको क्लॉकवाइज लेना है। अगर आप इसको लोगे तो ये ऐसे दिखेगा, और इस वाले एंड को, सेकंड एंड को जो नीचे वाला है उसको लोगे तो ये ऐसे दिखेगा। सपोज करो इस डी वाली लाइन से यहां तक जो सेकंड एंड को आपने ज्वाइन किया, ये एंगल है थीटा 2, और सपोज करो ये एंगल है थीटा 1, ये वाला। अब देखो दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो सेकंड एंड वाला है, सेकंड एंड वाला ऑलरेडी अपने सेंस में है, देखो ऐसे एंटी क्लॉक वाइज टाइप का है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट एंड वाला आपने देखो ना, ऐसे समझो, ऐसे जब पॉइंट यहां होता था, मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया था, ये एंड ए था, ये बी था, जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इस डी से फर्स्ट एंड वाला, ये ऊपर वाला एंड जो था, डी से इस तरीके से मेजर कर रहे थे आप थीटा 1, ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो गैप था ये थीटा 1, और ये जा रहा था देखो क्लॉक वाइज, और इस ये एंटी क्लॉक वाइज थीटा 2, ये वाला एंगल जो है थीटा 2, तो ये बिल्कुल सेम है, ये बी वाले एंड का, नीचे वाले एंड का बिल्कुल सेम है एज इट इज। लेकिन अब ये वाला जो क्लॉक वाइज हो रहा था ऐसे, ठीक है, ये तो इसके अपोजिट हो गया, ठीक है, देख लो ये तो इसके अपोजिट हो गया बॉस, हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो ये इस डायरेक्शन में ना होके यहां से इस डायरेक्शन में इस लाइन तक होगा, क्योंकि ए एंड की लाइन ये है, और इस डिस्टेंस से यहां तक एंगल होगा एक्चुअली में। और अगर मैं इसको यहां तक पूरा मिला दूं, नहीं देखना इधर, ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, और ये एंगल है थीटा 1, और ये है डी वाली लाइन, और ये है ए पॉइंट से ज्वाइन करी है हमने पी पॉइंट पे। अगर मैं यहां से डायरेक्ट यहां तक जाऊं तो 360 होता है, अगर मैं यहां से केवल यहां तक जा रहा हूं तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप 360 में से, ठीक है, माइनस थीटा 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ये वाला जो एंड ए के लिए, ये वाला एंगल, ठीक है। उसका तरीका मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से अगर डायरेक्ट आपने करना है, देखो जो अपने सेंस में ऑलरेडी है इसके, इसको फॉलो करना है, जो नीचे वाला एंगल बनाना है, नीचे वाला एंड, ठीक है, वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ऊपर वाला क्लॉकवाइज, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव है उसी को नेगेटिव ले लेना, बात खत्म, उसी को नेगेटिव ले लेना, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे सर? देखो जो जो पहला एंड है, ये अपर वाला एंड, ये डिस्टेंस से अपोजिट हो गया अपने, जबकि नॉर्मली इधर होता था, तो थीटा 1 को आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे और थीटा 2 को एज इट इज यहाँ पे आप पॉजिटिव पुट करेंगे। तो जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे एट पॉइंट बी, आप यूज करेंगे म्यू नोट आई ओवर 4πd, है ना, डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 आ जाएगा आपका नेगेटिव, प्लस साइन ऑफ थीटा 2 रहेगा एज इट इज, एंड दिस इज हियर वी गो, यू हैव टू पुट द थीटा 1 विद नेगेटिव साइन, ये करना ही करना है, ठीक है। और यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये गिवन नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको ये डिस्टेंस गिवन होगी, उसकी हेल्प से आप ये निकालेंगे, ये यहां गिवन नहीं होगी, नॉट गिवन, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, नॉट गिवन, ये आपको निकालनी पड़ती है, वो निकाल लेंगे हम, टेंशन नहीं है, पहले आप एंगल्स को समझो, ठीक है। अब इसी चीज को दोबारा देखो, इसी चीज को दोबारा, ठीक है जी। अगर सर ऐसा होता तो करंट इधर जा रही है, समझ गए आप, और अगर वो इधर कहीं होता पॉइंट, क्यू पॉइंट ले लो, तो ये एंड बी है, ये एंड ए। अब देख ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इसको आगे एक्सटेंड कर लो और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर एंड बी को ज्वाइन करो, फिर एंड ए को ज्वाइन करो, अगर ऐसे होता तो, ठीक है। अब देखो डी वाली से ही एंगल लेते हैं, बी का एंगल इधर जा रहा है इस बार, और इसका एंगल इधर जा रहा है, तो जो एंड ए ऊपर वाला है उसका जो एंगल है वो अपने सेंस में इस बार क्लॉकवाइज, यानी थीटा 1 ये होगा, और ये जो छोटा वाला एंगल है ये थीटा 2 होगा, लेकिन थीटा 2 तो इधर होना चाहिए था, जबकि ये इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस बार थीटा 2 नेगेटिव ले लेंगे और थीटा 1 को पॉजिटिव ले लेंगे, बस इतना भी याद रखोगे ना, आपकी मैथमेटिक्स वाले जो कंसेप्ट है वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना बस, नो प्रॉब्लम, आंसर तो वही आने वाला है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस जब मैं इसके करूंगा तो ये कंसेप्ट वहां पे यूज होगा, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन में हर कैटेगरी का आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। ओके सो हियर वी गो, एंड कुछ क्वेश्चन जल्दी से यार देख लेते हैं, डिफरेंट जितनी भी कैटेगरी हमने यहां पे यू नो यूज करी है उसका हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंसेप्ट अप्लाई करना आपको आ जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जाके अभी आपने देखना प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, सबको फोर डालना अभी के अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपको पता चल जाएगा कंसेप्ट का किस तरीके से यूज किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके सो कम ऑन, तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिया है, दो वायर ले लिए अलग अलग, ठीक है जी, दो वायर, और इनको मान लो ये वेरी लॉन्ग वायर है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1,
इसमें हमने दो वायर लिए हैं, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, आप समझ जाएंगे वेरी लॉन्ग का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं दोनों एंड, इधर भी एंड इसका इन्फिनिटी जाएगा, इधर भी जाएगा, जब तक वो सेमी इनफाइनाइट ना बोले, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ वायर्स, और बोथ वायर लॉन्ग वायर है और पॉइंट पी इनके मिड पॉइंट पे है, इसको मान लो कि ये मिड पॉइंट है, मिड है, ये मिड पॉइंट है पी, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इस वायर से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ये वाली, इसको मान लो डी वन, तो डी की हाफ हो जाएगी, और इस पॉइंट से भी डिस्टेंस कितनी होगी डी टू, डी की हाफ हो जाएगी ऑब्वियसली। तो देखो यार ध्यान से समझो, जब एक वायर होता था और ये एक लॉन्ग वायर की वजह से उसके पास के किसी पॉइंट पर पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, डायरेक्शन का खेल मैंने सब कुछ बता रखा है अब आपको, ठीक है। तो आप देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, अब पहले इस वायर की वजह से देखो, इस वायर में करंट ऊपर को आई करंट है, करंट मैंने सेम ले लिया, आप अलग अलग भी ले सकते हैं या कुछ भी दे देगा, मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरीके से आएगा। तो करंट इसमें ऊपर है, देखो मैंने आपको रूल बताया था, करंट ऊपर को जा रही, थंब ऊपर को करो, पॉइंट इधर है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा क्योंकि पाम अंदर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, मान लिया बी वन, ठीक है। अब इसकी वजह से देखो ये भी स्ट्रेट वायर है, वेरी लॉन्ग है, तो करंट ऊपर है, पॉइंट इधर है, करंट ऊपर तो थंब आपका अप जाएगा, पॉइंट जो फिंगर्स है वो पॉइंट की तरफ, पाम आउटसाइड, तो इसका फील्ड आएगा आउटसाइड, मतलब इस पॉइंट पे दो फील्ड है, एक अंदर को एक बाहर को, अपोजिट नहीं हो गए ये, तो यानी इस पॉइंट पी पे नेट फील्ड होगा एक अंदर एक बाहर, जो बाहर है ये आउटसाइड वाला उसको प्लस लेंगे, जो अंदर है उसको माइनस इनसाइड वाला। देखो ना वो बोल रहा है इसकी वजह से फील्ड अंदर को जा रहा है, इसकी वजह से फील्ड बाहर को, तो बाहर वाला पॉजिटिव अंदर वाला नेगेटिव, तो नेट फील्ड ये आ जाएगा। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर में लिख लो, देखो वेक्टर में लिखो, वेक्टर लिखा तो बी वन की वजह से प्लस बी टू की वजह से, तो आप जब लिखेंगे बी वन की वजह से, तो बी वन की वजह से कितना आएगा, ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग वायर उसके पॉइंट पर पास के किसी पॉइंट पे डी डिस्टेंस अवे जो परपेंडिकुलर है, जो फील्ड होता था वेरी लॉन्ग का याद करो पी पॉइंट पे कितना होता था, म्यू नॉट टू आई अपॉन फोर पाई डी, अभी लिखाया था मैंने फॉर्मूला, तो दोनों वेरी लॉन्ग है तो दोनों के लिए यही होगा, बस करंट अलग है डिस्टेंस सेम है, ठीक है, करंट भी सेम ही दे रखी है तो मजा ही नहीं आ गया। अब इसके लिए देखो म्यू नॉट टू आई ओवर फोर पाई डी, डी की वैल्यू क्या है इसकी, डी वन, डी वन है इसकी डी बाई टू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर डी बाई टू, और डायरेक्शन क्या ले सर इसकी, चूंकि ये फर्स्ट वायर का फील्ड अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन होगा माइनस के कैप, ठीक है। प्लस सिमिलरली इसका भी देखो करंट सेम है डिस्टेंस सेम है डायरेक्शन चेंज है बस, तो म्यू नॉट इसका भी 2i आएगा ओवर 4 पाई डी बाई 2 आएगा, और इसकी डायरेक्शन आएगी प्लस के का, देखो मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट है तो ये कैंसिल, तो नेट फील्ड बी पे जो आ रहा है दोस्तों जीरो आ रहा है इस केस में, पर्टिकुलरली नेट फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगा। हाँ अगर इसमें करंट अलग अलग कर दूं मैं, मान लिया इसमें 1 एम्पियर है, इसमें आई दे दूं, उसमें 2i दे दूं, अब उसको आप सॉल्व करना तब यहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगा पक्का, या करंट सेम रखो डिस्टेंस अलग अलग कर दूं तो पक्का कुछ ना कुछ फील्ड होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आ सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया हाउ टू यूज मैग्नीट्यूड कैसे, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, डायरेक्शन कैसे यूज करनी है, सब मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया, और आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बॉस। ओके जरूरी नहीं दो वायर होंगे, तीन भी दे सकता है, टेंशन नहीं लेने का, तीन भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर टू पे आओ, टू में क्या है सर, ध्यान से देखो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो बोलता है कि डेफिनेट फोर, फोर डेफिनेट है ना, फोर डेफिनेट वायर्स हैं जिनका यूज किया गया है एक स्क्वायर शेप बनाने के लिए, डेफिनेट लेंथ के हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर एंड दिस इज फोर्थ वायर चंदे मेरे, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो कर रही है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, और एक लूप बन गया एक तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये कितने वायर है सर, चार है, ऐसे वन टू थ्री फोर, हर लेंथ की जो हर वायर की लेंथ सेम है एल, और हर वायर में करंट भी सेम है आई, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो लूप बन गया ना, चार वायर को इस तरीके से कनेक्ट किया, इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप वेक्टर में निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बाद में वेक्टर को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे उसका, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें डायरेक्शन भी अप्लाई करनी सीखनी है ना यार, वो भी बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे करोगे, हमें पता है कि हर वायर में करंट सेम है, हर वायर की लेंथ सेम है, और एक डेफिनेट लेंथ का वायर अगर ये वन है तो इसका एंड एक यहां से स्टार्ट हो रहा है ए से बी, दूसरे वायर का बी से सी खत्म, सी का डी तक और डी का ए तक, इस फोर्थ वायर का, तो ये डेफिनेट लेंथ के वायर है, हर एक वायर में करंट और लेंथ सेम है। और हमें पता है डेफिनेट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई ओवर फोर पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू,
तो ये करंट सेम है, डी सेम है, तो यार मैग्नेटिक फील्ड भी तो हर वायर का सेम ही होगा, क्योंकि वो एंगल भी सेम बनाएंगे, क्योंकि एक स्क्वायर शेप बन गई एक तरीके से, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ हर साइड सेम है, तो ये स्क्वायर शेप बन गई यहाँ पे बाय यूजिंग दीज फोर वायर्स। तो हम पता है स्मार्टली काम करेंगे कि सर फर्स्ट वायर की वजह से निकाल देते हैं, यहाँ पे कितना होगा, है ना, फर्स्ट वायर की वजह से। इमेजिन करो कि ये वायर यहाँ पे है ही नहीं, ये कोई नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है, अकेला ये था और इसमें करंट जा रही है इधर को, ठीक है सर। तो इमेजिन करो इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड निकालना है, तो तरीका क्या बताया था मैंने, जब भी एक डेफिनेट लेंथ का वायर होगा पहले पॉइंट को वायर से परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दो, ये कर दिया सर देखो 90 डिग्री का एंगल, और ये डिस्टेंस होगी इसकी डी, क्लियर। फिर दोनों एंड को मिला दो, ये एक एंड ये रहा इसका, इसको मिला दो, तो ये एंगल मान लेंगे आप इधर से इधर थीटा वन, और ये एंगल इसको मान लेंगे आप थीटा टू, और ये जो पॉइंट है ये वायर के जस्ट सामने भी है, तो नॉर्मल केस यूज होने वाला है। तो देखो पहले वायर की वजह से फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पर, तो आएगा म्यू नॉट आए ओवर 4 पाई डे इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक की वजह से निकाल लो ना यार। तो ये कितना आएगा सर, डी क्या है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर वो दे रखी है नहीं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अगर देखो इस वायर को मैं ज्वाइन कर दूं सेंटर से लेके किसी एक साइड के परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ होगी देखो इस लेंथ की हाफ ही तो होगी यहां से यहां तक, देखो ना L बाई टू, क्योंकि हर एक लेंथ L है, तो सेंटर से लेके डिस्टेंस यानी D की वैल्यू मिल गई L बाई टू, इतना तो समझ जाओगे ना, ये सिक्स मैथमेटिक्स है। तो एंगल कितना होगा सर, ये थीटा वन देखो ध्यान से देखना, ये 90 है ना, और ये एक स्क्वायर है, तो ये टोटल एंगल 90 होता है, तो ये 45 हाफ हो जाएगा ना इस लेंथ की वजह से, 90 ये 45, तो ये भी 45 है पक्का, तो ये भी 45 है पक्का, मतलब थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, सेम एंगल बना रहा है 45, तो ये भी 45 प्लस साइन दूसरा एंगल भी 45, सॉल्व कर लेना, तो ये 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, म्यू नॉट आई क्योंकि डेटा नहीं गिवन है, तो आप 2 पाई एल लिख लो, और अंदर बचेगा साइन 45 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू, तो इसको आप लिख सकते हैं एल सेम सेम 2, यानी म्यू नॉट आई इंटू 2 बाई 2 पाई एल इंटू अंडर रूट 2, ये हो गया कैंसिल, तो बी 1 आपके पास आ गया म्यू नॉट आई ओवर रूट 2 पाई एल, ये आ गया एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक का, कितने वायर है टोटल 4, तो सर सबकी वजह से निकालना पड़ेगा, नहीं क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, एंगल सेम है, नॉट एरिया, लेंथ सेम है, करंट सेम है, एंगल सेम है, तो एक का निकालो, टोटल निकालने के लिए सेंटर पे 4 टाइम्स कर दो एक किसी एक का, क्योंकि सबका यही होगा, तो जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखोगे ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब सेंटर पे लिखो तो कितना आएगा, बी 1 प्लस बी 2 प्लस 3 वायर की वजह से प्लस 4th वायर की वजह से, तो सबका ऐड ऐड करके 4 टाइम्स ही तो हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे। अब यहाँ देखो कितना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 म्यू नॉट आई ओवर रूट 2, है ना, पाई इंटू एल, ठीक है, इसको अगर रैशनलाइज करना है रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई रूट 2 से नीचे, तो आप लिख सकते हो 2 रूट 2 म्यू नॉट आई ओवर पाई एल, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। अब रही डायरेक्शन की बात, अल्टीमेटली एक सिंगल वायर तो है नहीं, पूरा लूप है, तो कैसी लूप में कैसी करंट है, देखो इधर से चल के ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, तो अगर इसकी डायरेक्शन भी बनानी है ना दोस्तों, डायरेक्शन आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 म्यू नॉट आई ओवर पाई एल इंटू माइनस के कैप, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है, अंदर को फील्ड होगा अंदर को, तो माइनस के कैप यू कैन राइट, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। होप सो आप समझ रहे होंगे क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, मैंने बोला आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब दो एग्जांपल दे रहा हूं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है इसी कैटेगरी में, अपने आप करना है, मस्त तरीके से सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेने का, सब सिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, ओके, सो हियर वी गो, एंड मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं, मस्त तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे बोला इसने ऑल वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ हैविंग द सेम करंट, मतलब तीन वायर का यहाँ पे यूज किया गया एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देखें ये फर्स्ट वायर है और इसको ज्वाइन कर दिया सेकंड वायर है और ये थर्ड वायर है, तीनों में सेम करंट जा रही है, आप ध्यान से देख सकते हैं तीन वायर है, सबकी लेंथ सेम है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इससे पहले एक स्क्वायर बन रहा था चार वायर थे, तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे किसी एक की वजह से निकाल लेना सेंटर पे निकालने के लिए नेट, अगर सेंटर पे नेट निकालेगा तो किसी एक की वजह से निकालना, थ्री वायर है तो 3 टाइम्स ऑफ एनी वन ये आप निकाल ही सकते हैं यार, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट वायर के सेंड को ए मान लो और इसको बी मान लो, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, इस सेंड को ज्वाइन करना, ये एंगल निकाल लेना थीटा टू, इस सेंड को ज्वाइन करना, ये एंगल निकाल लेना थीटा वन, तो बस ये चेक करना थीटा वन कितना है, थीटा टू कितना है और डी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फॉर्मूला आपको पता है क्या यूज करना है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देना बाद में, ये आपने करना है। एक क्वेश्चन ये हो रहा है, मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और भी अच्छे से अगर आपने करना है और भी सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और
आपने प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ले लो, देखो एक दो तीन चार पांच और सिक्स वायर्स हैं, हेक्सागन बन गया रेगुलर, हर वायर की लेंथ सेम है, करंट ऐसे जा रही है, इस बार करंट ऐसे जा रही है बॉस, देखो और ये इसका सेंटर है, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बन गया यहाँ पे, ठीक है जी, ट्राई करना बॉस, रेगुलर हेक्सागन बन गया यहाँ पे, हर एक में करंट सेम है, लेंथ सेम है, तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे को बताना जरूर, बताना जरूर, बट कर लेंगे आप, होप सो, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका आपको पता चल गया कि हाउ टू यूज द कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके कम ऑन, ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देख लो और इसकी शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, देखो कैसे क्या सर, एक ए एक डेफिनेट लेंथ का वायर है जिसकी में करंट जा रही है आई, है ना, तो इसका एंड है बी और ये है ए, फिर इस एंड से बिल्कुल बाहर कोई पॉइंट पी है, बिल्कुल क्लियर है डायग्राम में, और इस बी एंड से आर डिस्टेंस अवे है, ये रही आर डिस्टेंस, ठीक है जी, आर डिस्टेंस अवे है और इसको आगे एक्सटेंड किया गया और यहां पॉइंट पी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ये देखो, तो एक्चुअली इस पॉइंट पी से इस वायर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दे रखी है, हमें निकालनी पड़ेगी, फिर आपको दे रखा है बिल्कुल क्लियरली, जो बी एंड है नीचे वाला उसको कितना एंगल बना रहा है, देखो इस डिस्टेंस से यहां तक 45 डिग्री, और जो ऊपर वाला एंड है वो कितना एंगल बना रहा है यहां पे 60 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल, ये वाला एंड की लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ इतना एंगल बना रही है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा, तो को भाई मैंने आपको क्लियर बता रखा है कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो एज इट इज, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, क्लियर है बॉस, यस, अब क्या करेंगे सर, डी के बारे में सोचना है बस, थीटा 1 के बारे में सोचना है, थीटा 2 के बारे में सोचना है कितना है, अब देखो डी से जो फर्स्ट एंड है ऊपर वाला उसका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, बिल्कुल बिल्कुल, देखो डी से ज्वाइन करने पे यहां तक ये एंगल क्लॉकवाइज ही आ रहा है इस तरीके से, तो थीटा 1 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो सेकंड एंड आ रहा है उसका भी क्लॉकवाइज आ रहा है, जबकि उसका तो इधर होना चाहिए था, है ना, जबकि उसका तो यहां से यहां तक होना चाहिए ऐसे, तो मैंने आपको बताया था जब दो एंगल एक ही डायरेक्शन में हो जाए और ऊपर वाला क्लॉकवाइज रहे तो नीचे वाला ये वाला जो एंड होता था नीचे वाला, याद करो मैं यहां पर बताता हूं, जब पॉइंट पी यहां होता था ये डी डिस्टेंस होती थी, आप ये एंड ए ले रहे थे, नीचे वाला एंड बी, तो ये वाला एंगल इधर मेजर करते थे हम थीटा 2, और ये वाला एंगल तो चलो इधर ही होता था थीटा 1, तो थीटा 1 बिल्कुल सेम सेंस में है इधर, जबकि थीटा 2 ऐसे होना चाहिए था अपोजिट ऐसे, ठीक है, जबकि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, तो यहाँ पे थीटा 2 को आप -45 लेंगे, ये कह रहा हूं मैं, मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया आपको, यहाँ पुट करेंगे सॉल्व कर लेंगे, और इस बी एंड से डिस्टेंस दे रखी है आर, जबकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें तो डी चाहिए, तो देखो ये छोटा सा ट्रायंगल देखो ये वाला, ठीक है, ये है 45, ये है 90 के सामने हाइपोटेनियस, और इसका बेस पता है, तो आप कॉस 45 यूज करेंगे, बेस है डी, हाइपोटेनियस है इसका आर, ये होता है 1/√2 डी बाई आर, हमें डी चाहिए तो डी आ गई आर बाई √2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे नहीं गिवन थी इसलिए मैंने निकाल ली, इसको पुट कर दो आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा सर देखो, तो ये आएगा बी एट पॉइंट पी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी, डी की जगह क्या लिखूंगा आर बाई √2, और अंदर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा 160 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 -45, ठीक है, अच्छा सर अब कैसे करेंगे, यहां पे निकाल रहा हूं मैं इसको, ठीक है, तो वहां थोड़ी सी घचपच हो गई है, तो देखो ये √2 जाएगा ऊपर सबसे, तो √2 म्यू नॉट आई ओवर नीचे बचेगा 4 पाई आर, आर इज द नॉन डिस्टेंस इसलिए उसके टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया है, साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, और यहाँ पे साइन -45 है तो साइन में माइनस बाहर आता है और ये होता है 1/√2, बस सॉल्व कर लो, यही आंसर है, इतना ही लिख दो आप, कोई टेंशन ही नहीं है, अब डायरेक्शन बनानी है तो करंट ये है, पॉइंट इधर है तो अंदर, अगर वेक्टर में लिखना है तो डायरेक्शन लिख देना -k का, ऑब्वियस है, ठीक है ना, करंट ऊपर जा रही है, पॉइंट इधर है देखो अंदर, ठीक है जी, तो ये बना सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आप सॉल्व कर सकते हो, तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी, एक क्वेश्चन में और देता हूं, उसको आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे इन्हीं का यूज करके, बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से अप्लाई करने हो मैंने आपको सिखा दिया, बढ़िया तरीके से आपको बता दिया, आप क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा उसमें सर्कुलर पार्ट वाला वायर, करंट कैरिंग वायर जो होगा उसके हिसाब से न्यूमेरिकल करेंगे, जो न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं ना, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज करके हम सीख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कैसे करने हैं तो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है,
कॉम्बिनेशन ऑफ वायर से आते हैं, जिसमें सर्कुलर पार्ट भी होगा और स्ट्रेट भी होगा, मजा आ जाएगा ना। यस ओके गाइस, सो दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ऑसम होने वाले हैं। अगर नहीं होंगे ना तो मेरे से पूछ जरूर लेना कमेंट करके यार, कर दिया करो यार, है ना। कंटेंट अगर बहुत ऑसम आपको लग रहा है और आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, किसी भी वे में आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज आप इसको मेरे को बताया करो। मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे, कॉमेंट नहीं करोगे, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी इंप्रूवमेंट हम करेंगे और बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बताया करो, चीज़ों को बताया करो, ठीक है, उसी में मज़ा आता है, मोटिवेशन भी बढ़ता है और मेरा और मन होगा आपको और ऑसम तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को प्रोवाइड करने के, आपकी हर तरीके से पॉसिबल वे में हेल्प करूंगा। यार क्या बात कर रहे हो। तो दो क्वेश्चन मैंने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर वन देख लो, एक वायर कहीं इधर से आ रहा है, इन्फिनिटी सेमी इन्फाइनाइट का है, देखो इन्फिनिटी से कहीं आ रहा होगा और यहाँ पे आके बेंड हो गया, फिर इन्फिनिटी तक चला गया और यहाँ से डी डिस्टेंस अवे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जब बेंड हुआ तो 45 डिग्री पे बेंड हुआ, ध्यान से देखना। तो ये सिचुएशन है, आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। फिर एक वायर कोई इधर से आ रहा है, ऐसे 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 करंट आई है और यहाँ पे बेंड हो गया, इधर चला गया, करंट आ रही थी इधर और 90 डिग्री पे बेंड हुआ और यहाँ से डी डिस्टेंस अवे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मजा आ जाएगा अगर आपने सॉल्व कर दिया और आपने इसको इमेजिन कर लिया कि कौन सा ये केस है, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा। हर सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, बेसिक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनका और बेस्ट यूज कहाँ होगा, नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम तरीके से करेंगे, रिजल्ट बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम तरीके से, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसको बढ़िया से रिवाइज करके आना, बढ़िया से समझ के आना, नोट्स अच्छे से बनाना, तभी नेक्स्ट लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है और आप फोड़ने वाले उसको बढ़िया से, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।